अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय अनफिल्टर्ड यूके लाइफ। ये बज रहे थे सुबह के 9 और आई एम नॉट अ अर्ली राइजर। मुझे बहुत उलझन होती है सुबह जल्दी उठने में, लेकिन आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि मेरी जीपी अपॉइंटमेंट थी और यहाँ जीपी अपॉइंटमेंट्स वैसे बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो हम दोनों उठे और वहाँ गए विदाउट ब्रेकफास्ट। फिर हम वापसी पे गए मैकडोनल्ड्स और वहाँ से हम सिर्फ ले सकते थे अपने फ़िश बर्गर्स और वेजिटेरियन वेजिटेरियन रोल और बर्गर एनीथिंग। उसके बाद हम घर आए तो बहुत गर्मी थी, लाइक 18 डिग्री पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और रात में मूड हुआ कि क्यों ना वाइट सॉस बेक्ड पास्ता बनाया जाए। ये अचानक के मूड होते हैं और मैं बस कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। हमज़ा घर थे तो मैंने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, हमज़ा को साथ लगाया जाए ताकि वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि मेरे हाथ में राइट हैंड में इंजरी थोड़ी सी हुई हुई है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कोई चीज़ ज़्यादा उठाने में या बर्तन धोने में थोड़ा सा ज़रा इशू होता है, तो वो हमज़ा मेरी हेल्प कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया बटर और मैंने लिया मैदा और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इनके लम्स ना बने, क्योंकि जितना अच्छे से यहाँ पे ये भुना जाएगा उतनी ही अच्छी इसकी सॉस वाइट सॉस बनेगी। उसमें मैंने फिर दूध ऐड किया, इसमें मैंने क्रीम ऐड की। आप क्रीम स्किप भी कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। इसमें मैंने मिक्स्ड हर्ब ख़ासतौर पे ऑरेगानो और ये सब ऐड किया। बॉयल मैंने पास्ता पहले ही बॉयल कर लिया था, फिर ये मैंने हमज़ा से कहा इसमें ऐड कर दें। और ये मैंने इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, अजीनोमोटो ये सब चीज़ें ऐड की। और मैंने पहले थोड़ा सा लहसुन भी ऐड किया था, उससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है इसमें। और मैं इसमें वैसे चिकन नहीं यूज़ करती, मुझे ये चिकन फिलेट्स या स्टेक यूज़ करना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें डाले ग्रीन ऑलिव्स, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऑलिव यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड ग्रीन बोथ। एक तो ये सुन्नत भी हैं, दूसरी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और तीसरा हमज़ा को बहुत पसंद है क्योंकि हमज़ा बहुत अरसा सऊदीया रहे हैं तो वो बहुत इंजॉय करते हैं सब चीज़ों को। उसके बाद मैंने वो चिकन स्टेक के पीसेस कर लिए थे जैसे अल्फ्रेडो के ऊपर होते हैं। पास्ता मेरा तैयार था, मुझे अब इसे करना था बेक। मैंने इस तरह पास्ता किया, ऊपर चिकन फिलेट काट के डाला और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड की। ये यहाँ पे गार्लिक ब्रेड मिलती है सिंपल, आप इसको लें, बेक करें और खाएं, ये बहुत टेस्टी लगती है। ये मेरा पास्ता हो गया था तैयार और इट लुक सो यम, और यकीन करें खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये मैं सबसे पहले हमज़ा के लिए प्लेट सर्व करती हूँ, हमज़ा को, चाचू को, फिर मैं खाती हूँ खुद। और ये मेरी बहुत ही मज़ेदार पास्ता की रेसिपी है। होप यू ऑल आर एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।